तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में सीबीएसई का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न जो आया हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे। जो भी न्यू एग्ज़ाम पैटर्न जो बताया गया है ये पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए बताया गया है, ताकि जो इस बारी से जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था कि जो कि 12वीं के पेपर और 10th के पेपर दोनों को कैंसिल करना पड़ा था, वैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो अगर पेंडेमिक फिर से आती है वैसी। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है टर्म वन आपका पेपर कराया जाएगा नवंबर या फिर दिसंबर में पेपर आपके कराए जाएंगे। इसमें 50% सिलेबस आपका इंक्लूड होगा। 50% सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर होंगे, कौन से सब्जेक्ट से, ये आगे चल के अभी आपको बता दिया जाएगा। ये 90 मिनट का आपका पेपर होगा और MCQ फॉर्मेट में होगा। और ये पेपर आपका कहाँ पे होगा, स्कूल्स में होगा या फिर सेंटर्स में हो सकता है, और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आएंगे। ओके, अगर सिचुएशन सही नहीं होती है तब स्पेशल केस में ये सेम चीज़ आपके घर से हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। इसके लिए अभी क्लैरिफाई उन्होंने नहीं करा है, आगे वो आपको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा, बट ये स्पेशल केस में होता है। अगर पेंडेमिक कंट्रोल में नहीं होता है तब ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट है टर्म सेकेंड कब होगा आपका, मार्च या फिर अप्रैल में कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें भी 50% सिलेबस आपका इंक्लूड होगा। इसमें क्या होगा, इसमें 2 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर में केस बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। अगर टर्म टू के टाइम पे पेंडेमिक दोबारा से आ जाती है, कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, जो भी फिजिकली नहीं कराया जा सकता है, जिसकी वजह से स्पेशल केस होगा। स्पेशल केस में आपके 90 मिनट के MCQ होंगे और सिचुएशन के हिसाब से इसको ऑफलाइन कराया जाएगा या फिर ऑनलाइन कराया जाएगा, इसको अभी मेंशन नहीं किया गया है। ओके, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है दोनों केसेस में, अगर नहीं हो पाता है, टर्म वन भी नहीं हो पाता है, टर्म टू भी नहीं हो पाता है, तब क्या होगा, अगर दोनों पॉसिबल ही नहीं होता है, फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसको कोशिश ये किया जाएगा कि आपके ऑनलाइन घर बैठ के ही आपका वो दोनों चीज़ें करा ली जाएँ। उसके बाद में आपके जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा, देन आपके प्रोजेक्ट वर्क होंगे उसको कंसिडर किया जाएगा, और जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट होंगे उसको कंसिडर किया जाएगा, देन इसके बाद में आपके एग्रीगेट मार्क्स बनाए जाएंगे। 12वीं और 10वीं दोनों के लिए सेम है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको दोनों समझ में आ गया होगा, टर्म वन क्या है, टर्म टू क्या है, और पेपर में कैसे कैसे सिलेबस कितने कवर होने वाले हैं, और कितने मिनट का पेपर होने वाला है, पेपर का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। इसी तरह के आपको एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और अकेडमी से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहेंगे।